हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स, इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है गोल्डन सिम्पटम ऑफ लिडम पाल, तो मैं आपको कुछ लिडम पाल का कुछ गोल्डन सिम्पटम बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लिडम पाल का सबसे बड़ा गोल्डन सिम्पटम तो ये है, चूहा काट लिया, बिल्ली काट लिया। बिल्ली मान लीजिए किसी घर में नहीं आती, कम आती है, लेकिन चूहा तो हर घर में है। अचानक चूहा आपको काट लिया, रात में काट लिया, तो अब क्या करेंगे आप? आप लिडम पाल घर में रखे रहिए, लिडम पाल तुरंत दीजिए पेशेंट को, कम से कम टिटनेस तो रहेगा। आगे अपने डॉक्टर से समझ के बात करते रहिए। लेकिन चूहा काटने से अगर कोई दिक्कत होती है तो लिडम पाल 30 पावर का 2-2 बूंद करके आधे आधे घंटे पर एक बार 4-5 खुराक दे दीजिए। उसके बाद हफ्ता में एक बार देते रहिए कुछ दिन तक, तो चूहा काटने का जो साइड इफेक्ट है, जो बैड इफेक्ट है, प्रॉब्लम जो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका दूसरा गोल्डन सिम्पटम यह है कि पार्ट्स कोल्ड टू टच, कोई भी पार्ट्स अगर हम छूते हैं तो ठंडा मालूम पड़ता है हमको, लेकिन पेशेंट को नहीं ठंडा मालूम पड़ता है। ये सिम्पटम किसी भी बीमारी में हो, चाहे मेनिनजाइटिस की बीमारी में हो और चाहे ब्रेन ट्यूमर की बीमारी में हो, चाहे पेशेंट को अगर आप देख रहे हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं, हाथ उसका टच किए, हाथ बर्फ की तरह ठंडा है, तो लेकिन पेशेंट को नहीं फीलिंग हो रहा है कि ठंडा लग रहा है, ये एग्जैक्ट सिम्टम होना चाहिए। तो ऐसा सिम्टम है तो आप लिडम पाल 200 सप्ताह में 2 बार लगातार कुछ दिन तक दे दीजिए, ये परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि अगर हमको एंकल ज्वाइंट में पेन हुआ है और बहुत दिन तक एंकल ज्वाइंट पेन है, उसके बाद में वो तो पेन ठीक हुआ ही नहीं, इसके बाद नी ज्वाइंट पेन आ गया, माने दर्द नीचे से ऊपर की तरफ आ गया, तो ऐसा प्रॉब्लम किसी भी केस में हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से लेकर, स्लिप डिस्क से लेकर, साइटिका से लेकर, किसी भी केस में हो सकता है। अगर दर्द आपका नीचे है और नीचे से ऊपर की तरफ आ गया है, तो आप लिडम पाल 200 सप्ताह में 2 बार लगातार लीजिए, क्योंकि 30 पावर में धीरे से काम करेगी। तो लिडम पाल 200 सप्ताह में 2 बार 4-4 बूंद करके लीजिए। आपकी यह प्रॉब्लम चाहे रिमेटिक हो, चाहे गठिया हो, चाहे यूरिक एसिड से दिक्कत हो, आपकी प्रॉब्लम जो है जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका गोल्डन सिम्पटम एक और है कि चेहरे पर लाल लाल दाने निकलते हैं, फोरहेड पर और चेहरे पर, गालों पर लाल दाने निकलते हैं, तो आपको और किसी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अगर दाने लाल हैं, आप जो लिडम पाल 30 पावर में 2 बूंद सुबह शाम लगातार कम से कम 1 महीना तक लेते रहिए, बीच में ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लिडम पाल लेते रहिए, तो आपके जो चेहरे पर और आपके फेस पर जो लाल दाने हैं वो एकदम आराम हो जाएंगे, आपका चेहरा साफ हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्पटम यह है कि सोल्स जो है हमारा, जैसे पाम एंड सोल्स है, सोल्स इज़ वेरी पेनफुल। जरा भी आप चलेंगे तो सोल्स में चाहे कॉर्न हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, माने सोल्स में इतना दर्द होता है कि आप जो एक कदम भी नहीं चल सकते, प्रॉब्लम जो भी हो। तो इसके लिए आप लिडम पाल 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 2 हफ्ता लीजिए। आपका जो सोल्स में पेनफुल है और मुश्किल से भी एक कदम नहीं चल पा रहे, आपकी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, आप और आप आराम से चलने लगेंगे। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्पटम है ब्रोंकाइटिस विद अस्थमा। अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है और उसके साथ में सांस फूल रही है और ब्रोंकाइटिस है, दोनों है, तो आपको लिडम पाल 30 पावर में, चूंकि सांस फूल रही है इसलिए इसमें डायलूशन में लेने की जरूरत नहीं है, 5-6 गोली करके दिन में 5-6 बार लगातार लेते रहिए, आपका जो ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जड़ से ठीक हो जाएगा। लेकिन टाइम लगेगा, ब्रोंकाइटिस अस्थमा एक साथ में है, तो आप लिडम पाल से ठीक हो जाएंगे, बशर्ते कि आपके अंदर में पेशेंस हो। दोस्तों, उसका अगला गोल्डन सिम्पटम यह है कि अगर किसी को चोट लग जाती है और उस जगह जो है नीला पड़ जाता है, इसके लिए आपको लिडम पाल 200 दिन में 3 बार कम से कम 1 हफ्ता दीजिए, आपका जो चोट लगने के बाद में जो पार्ट नीला हो गया है वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला और अंतिम गोल्डन सिम्पटम यह है कि हमारे फीट में और एंकल में इंटेंस सीचिंग होती है, दाने निकले हैं या नहीं निकले हैं, लेकिन पूरा फीट में, उसमें जलन हो चाहे नहीं हो, लेकिन इंटेंस सीचिंग ऑफ द फीट एंड एंकल, तो इसके लिए आपको लिडम पाल 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, आपकी यह परेशानी ठीक हो जाएगी। बशर्ते कि सिम्टम एग्जैक्ट मिलना चाहिए कि फीट से लेकर एंकल तक पूरा इंटेंस सीचिंग दिन भर खिंचवाते रहते हैं, तो आप लिडम पाल ले लीजिए 30 पावर का 2-2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए 1 सप्ताह, तो आपका जो है यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको लिडम पाल का कुछ गोल्डन सिम्पटम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।